हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए फिजिक्स का पेपर सेकंड है, मॉडर्न फिजिक्स। इसका एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ। ये 2014 का है। पेपर में टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स की, मैक्सिमम मार्क्स 33। ठीक है, आप लोगों का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 50 है। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूँ कि आप लोगों का ये पेपर फर्स्ट है इस टाइम पर। पहले ये 2014 में पेपर सेकेंड रहा करता था, बट अब आप लोगों का ये फर्स्ट है। इसमें आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, आप लोगों का ये पेपर फर्स्ट ही है, लेकिन पहले ये पेपर सेकंड रहा करता था। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें एक नोट लिखा हुआ है और नोट में लिखा है, दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 14 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वेयरिंग हाफ मार्क्स ईच, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वेयरिंग 2 मार्क्स ईच, अटेम्प्ट एनी 7 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वेयरिंग 4 मार्क्स ईच एंड अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। स्टूडेंट आर एडवाइज टू ट्राई क्वेश्चन सिक्वेंसली फॉर गुड एंड करेक्ट इवेल्युएशन। ऑल द सिम्बल्स यूज हैव देयर यूजल मीनिंग्स। सिस्टमैटिक कंसाइज आंसरिंग शैल बी रिवॉर्डेड। ये नोट हिंदी में भी लिखा है, आप लोग हिंदी में भी इसे पढ़ सकते हैं। फिर ये है सेक्शन ए। आप लोगों को इसमें 14 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आप लोग इसके आंसर्स देख लीजिएगा, मैंने इसके आंसर्स आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करे हैं। ये है नंबर सेकंड क्वेश्चन, ये नंबर थर्ड क्वेश्चन है, ये नंबर फोर्थ क्वेश्चन, ये नंबर फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन, इलेवेंथ क्वेश्चन, ट्वेल्थ क्वेश्चन, थर्टीन क्वेश्चन, फोर्टीन क्वेश्चन। ये है सेक्शन बी। सेक्शन बी और सेक्शन सी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन सेक्शन बी और सेक्शन सी में से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से जो कि आप लोगों के आते हैं, आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप लोगों को सेक्शन बी देखना होगा। ठीक है, इसमें नंबर फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो आप लोगों को न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करना है तो आप लोग कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो आप लोग इस पर टाइम वेस्ट ना करें, न्यूमेरिकल पे आप लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप लोगों को उसका अच्छे से फॉर्मूला पता है तभी आप लोग उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, अदरवाइज आप लोग उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ना करें। ठीक है, सेक्शन बी का नंबर सेकंड है, वैसे 16 क्वेश्चन है ये। व्हाट इज लार्मर प्रोसेशन, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर लार्मर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, लार्मर प्रोसेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे आप लोगों के एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, नंबर 17 क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक एंड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर नंबर 18 है, ये भी न्यूमेरिकल है, तो आप लोग को मैंने बता दिया है कि न्यूमेरिकल आप लोग तभी अटैम्प्ट करें जब आप लोगों को उसका फॉर्मूला अच्छे से पता हो। ठीक है, फिर नंबर 19 है, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो ये भी आप लोगों के लिए अच्छा ही है क्योंकि ये थियोरेटिकल पोर्शन है। 20 में भी न्यूमेरिकल दिया गया है। फिर 21 है, राइट शॉर्ट नोट द शेल मॉडल ऑफ अ न्यूक्लियस। तो ये भी आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 22 क्वेश्चन है, क्लासीफाई स्ट्रेंज पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ मेसोन्स एंड वेरियोन्स। ठीक है, नंबर 23 क्वेश्चन शायद आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम से ये कट हो चुका है आई थिंक, तो आप लोगों को इसको प्रिपेयर नहीं करना है। प्लूटोन अब आपके एग्जाम में नहीं है, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आपके एग्जाम में ये नहीं है। आप लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपके एग्जाम में ये टॉपिक है तब। अगर आप लोगों के एग्जाम में ये टॉपिक नहीं है तो आप लोग इसको अटैम्प्ट ना करें। ओके, न्यूमेरिकल ही है। अब आता है सेक्शन सी, ये है सेक्शन सी। सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं और इसमें नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रिलेटिविस्टिक समरफील्ड थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाउ डज इट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर 26 है, एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट क्वांटम नंबर्स यूज्ड इन वेक्टर एटम मॉडल।
27 है, ये भी न्यूमेरिकल ही है। 28 है, व्हाट इज़ रमन इफेक्ट, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम फ्लोरोसेंस एंड रेले स्कैटरिंग। तो ये अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। फिर 29 है, एक्सप्लेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस, सो हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इज रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। नंबर 30 क्वेश्चन है, डिफाइन द क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियस रिएक्शन, एक्सप्लेन द वेरियस कंजर्वेशन लॉस इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। यही था आप लोगों का 2014 का एग्जामिनेशन का पेपर। आई होप कि आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।